सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो करते शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से। यार सवाल आपसे ये था कि जब आप नया फोन लेते हैं तो क्या आप स्टार्टिंग में कोई एक्सटेंडेड वारंटी इंश्योरेंस लेते हैं अपने फोन के लिए? तो आप से बोला 12% ने हाँ जी हाँ भैया, हमारा जो फोन है उसको कहीं गिर के कुछ होना चाहे या कुछ खराब हो जाए तो हम तो लेते उसके लिए इंश्योरेंस। 88% बोलते हैं नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे आज का सवाल आपके लिए ये है कि यार अगर आपको मिल जाए ऑप्शन कि आप अपने फ़ोन को सीधा दिमाग से कंट्रोल कर पाएं तो क्या आप उस चीज़ के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा देना चाहेंगे? क्या बताना ज़रूर क्या आपको जवाब सीधा पोल सेशन में जाते हुए नीचे कॉमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ दरबार डालिए वीडियो में सीधा बड़े आराम से लाइक बटन को। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर, निकल के आता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों ये बेसिकली मेंटल हैंडराइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है सीधा स्क्रीन में, और ऐसे में दोस्तों जो लोग फिलहाल पैरालिसिस का शिकार हैं उनको काफ़ी ये मदद कर सकता है। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हम दोस्तों बात कर रहे हैं सीधा दिमाग से, मतलब मेंटल हैंडराइटिंग को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सोचोगे दोस्तों ऐसी अगर हम हमारे दिमाग से मोबाइल फ़ोन को दूर बैठे बैठे अगर काबू कर पाएँ मज़ा सही आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है पोको M3 Pro 5G को लेके। यहाँ पर दोस्तों इस फोन का लॉन्च जो है वो कन्फर्म हो गया है 19 तारीख के लिए। कुछ दोस्तों यहाँ पर लीक्स भी निकल के आए हैं डिज़ाइन के हिसाब से, तो ऐसे में फ़ोन लगता है कि बस डिज़ाइन बाहर बाहर से अलग चेंज किया गया है, जो अंदर से चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ सेम होने वाली है रेडमी नोट 10 5G वाली। अभी ऐसे में देखते हैं कि पोको इस फोन को लॉन्च किस कीमत पर करता है और इंडिया में ये फोन हम कब तक देख पाते हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे US अटॉर्नी जनरल कॉलिशन को लेकर, जहाँ पर दोस्तों इन्होंने अर्ज किया है फेसबुक कि भैया इंस्टाग्राम फॉर किड्स जो है ना वो लॉन्च मत करो। नहीं नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना भाई लॉन्च, मतलब क्यों क्यों कर रहे हो, मत करो। अभी पता नहीं ऐसे में फेसबुक जो है वो करता है या नहीं करता है लॉन्च, और अगर करता है तो प्राइवेसी का कैसा खास ख्याल रखता है, खासकर से जो हम बात करें ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाया जाएगा। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे वॉक्सवैगन को लेकर, जहाँ पे ये दोस्तों टारगेट ये करते हैं कि भैया फुल्ली ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक टैक्सी वैन्स तो बनाई जाएंगी 2025 तक। मतलब ऐसे में कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं भैया सुपरविजन वगैरह की, सीधा पैसेंजर आएगा बैठेगा गाड़ी में। दोस्तों कंप्लीटली ऑटोनोमस कार है, चलेगी इलेक्ट्रिक भी है साथ में, और ऐसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी। फ्यूचरिस्टिक सी तो चीज़ें हैं, लेकिन वैसे क्या आप भरोसा कर पाओगे ऐसी टेक्नोलॉजी पर, क्या आप उसके अंदर बैठ पाओगे जब ड्राइवर ना हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे वावे को लेके, हम बात कर रहे हैं वावे P50 सीरीज के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल रेंडर्स जो है वो लीक हो के आए हैं सामने। अभी ऐसे में भैया कैमरा वावे के जो फोन है उसमें कैमरा डेफिनेटली एक मेजर हाईलाइट रहती है। अभी ऐसे में देखते हैं कि जो P50 सीरीज है उसमें हमें किस तरह का कैमरा वावे ऐड करके दे पाता है। अगला उस यहाँ पे अपडेट निकल के आता है लइको को लेके, और ये भैया आ रहे हैं बैक फ्रॉम द डेड। लइको बोलते हैं अभी हम जिंदा हैं। यहाँ पर दोस्तों ये ली टीवी स्मार्ट इकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस जो है वो 18 मई को कुछ करने वाले हैं, तो अभी ये वापस से आने वाले हैं। अब क्या लगता तो नहीं कि कुछ ऐसा कुछ खास बचा है इनके लिए वापस आने को, देखते हैं आगे क्या कुछ धमाका कर पाते हैं। अगला उस अपडेट निकल के आता है एप्पल को लेकर, और यहाँ पर दोस्तों एप्पल ने रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ $1.5 बिलियन के दोस्तों जो फ्रॉड्स है उनको रोका है भैया ऐप स्टोर पर 2020 में। $1.5 बिलियन के सिर्फ फ्रॉड्स को ही रोक लिया है, तो जो असली में जो कमाई है वो कितनी हुई होगी ऐप स्टोर से एप्पल की फिलहाल के लिए। वैसे आप जो है वो ज़्यादा खर्चा कहाँ करते हैं, मतलब क्या आप प्ले स्टोर पे खर्चा करते हैं ज़्यादा या फिर ऐप स्टोर पे? आई थिंक ऐप स्टोर पे, बिकॉज प्ले स्टोर पे तो बाईपास। अगला उसको अपडेट निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग को लेके, और बात हो रही है सैमसंग की गैलेक्सी A22s 5G की। और यहाँ पे दोस्तों ये आ सकता है डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर के साथ में। सैमसंग का शायद सबसे कम कीमत का एक 5G फोन हो सकता है गैलेक्सी A22s 5G। देखते हैं कि ये जब लॉन्च होता है तो आखिर क्या स्पेक्स होती है और इंडिया में ये फोन हम कब तक देख पाते हैं। अगला उसको अपडेट निकल के आता है यहाँ पे शाओमी को लेके, और यहाँ पे दोस्तों शाओमी के फ्लिपबड्स प्रो आ गए हैं, जहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी है, 28 घंटे की दोस्तों बैटरी लाइफ भी है, और कीमत जो है वो है करीब 9,100 रुपये। साथ दोस्तों यहाँ पे आज रेडमी नोट 10S भी लॉन्च हो गया इंडिया में। ज़्यादा कीमत है यार काफ़ी उसकी, मतलब तो रेडमी नोट 10 प्रो कोई क्यों ना ले, ऐसे में रेडमी नोट 10S कोई क्यों लेगा। बट अब एनीवेज आपस में ही इतने सारे फ़ोन एक के बाद एक अलग अलग नाम से लॉन्च करते रहो, ये नहीं तो ये कोई ना कोई तो खैर बिक ही जाएगा। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर, और यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं इंडिया
का बैटल ग्राउंड जो हैशटैग है भैया, अभी ऐसे में सब लोग खैर काफी इंतजार कर रहे हैं। जो दोस्तों फेक लिंक्स वगैरह हैं वो खबरें भी खैर चली रही है, तो मैंने आपको खैर उसके बारे में तो बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी लीक्स निकल के आए हैं ऑफिशियल जो ये गेम होने वाला है इसका साइज कितना होगा। तो ये दोस्तों 2 GB से ज्यादा होने वाला है, मतलब ऐसे में लगता है कि ये भैया सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बना के लॉन्च कर दिया, ये हम पूरे मजे से खेल पाएंगे ऐसा दोस्तों होने वाला है गेम। और अगेन क्राफ्टन में हमको पूरा भरोसा है। वैसे दोस्तों 2 GB से बड़ा गेम होगा तो शायद कुछ लोग जिनके पास में इतना एक हाई एंड फोन नहीं है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अभी ऐसे में हम लाइट वर्जन की बात भी खैर कर रहे हैं कि शायद आगे चल के इवेंचुअली वो भी आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस अब देखते हैं कि ऑफिशियल गेम कब आता है। और जैसे ही आता है यार 2 GB से बड़ा होगा फिर तो मतलब काफी मजा तो आएगा खेलने में। कि आप उसके लिए तैयार हैं मुझे वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे मीडियाटेक के डायमेंसिटी 900 को लेके। ये दोस्तों एक 6 नैनोमीटर्स पे बेस्ड 5G चिप लॉन्च कर दिया मीडियाटेक ने, जहाँ पे ये दोस्तों मिड रेंज फोन वगैरह जो है उनमें काफी अच्छे से काम पे आ पाएगी, जहाँ पे हमारे पास में 108 MP तक के कैमरा का सपोर्ट भी है। साथ दोस्तों यहाँ पे इसी के अलावा 6 नैनोमीटर से बनी है तो भैया काफी एफिशियंट भी है, काफी पावरफुल भी है डायमेंसिटी 900। देखते हैं कौन से फोन में हमको सबसे पहले चिप देखने को मिलती है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग को लेके। और यहाँ पर दोस्तों अभी फ्यूचर में गाड़ी जो होगी आपकी इलेक्ट्रिक वो सीधी रोड पे चलते चलते भैया अपने आप रिचार्ज हो पाएगी, जहाँ पर दोस्तों रोड में ही एम्बेड किया जाएगा सिस्टम को चार्जिंग के लिए। तो ऐसे में यार काफी इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है, मतलब वायरलेस चार्जिंग हो जाए कार्स में रोड पे चलते चलते ही, तो सोचो कितना ज्यादा मजा आ जाएगा, मतलब बैटरी हमेशा 100% में फुल। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे एसोस के जेनफोन 8 और जेनफोन 8 फ्लिप को लेके। ये दोस्तों लॉन्च कर दी है एसोस ने, जहाँ पे जेनफोन 8 तो काफी एक कॉम्पैक्ट दोस्तों फोन है, 6 इंच से भी कम इसका स्क्रीन साइज, और इसमें जेनफोन 8 फ्लिप आता है एक बड़े स्क्रीन के साथ में, जहाँ पे दोस्तों ये आता है फ्लिप कैमरा मैकेनिज्म को लेके। इंडिया में दोस्तों फोन्स क्या जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, और ऐसे में जो प्राइसिंग भी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज अगेन आप जानते हैं कि जो ROG फोन की प्राइस है उससे नीचे ही होने वाली है जेनफोन 8, और लगता है जेनफोन 8 फ्लिप की फ्लिप शायद इंडिया में ना ही आएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो जेनफोन 8 है यार बड़े ही एक कॉम्पैक्ट सा फ़ोन है, नो नॉनसेंस, पीछे सिर्फ 2 कैमराज जो काम के चाहिए होते हैं वो मैक्रो डेप्थ वगैरह सब निकाल दिया है, काफ़ी कॉम्पैक्ट फोन है, 888 की पावर भी है, तो मतलब यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनाया है। देखते हैं कि आखिर इंडिया में जेनफोन जो नया फोन है ये हम कब तक देख पाते हैं और किस कीमत के साथ में। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।